अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञान दान में सहभागी बने। एक दिन की 9000 अथवा 3000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञान दान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है, अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्राविका रत्न समाज सेवी, दानवीर परम मुनि भक्त दृढ़ संस्कारवान स्वर्गीय श्रीमती कंचन देवी दीवान छाबड़ा, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमान धर्मचंद जी दीवान छाबड़ा, पुत्र पुत्र वधु विद्या प्रकाश सुनीता देवी, संजय कुमार रेखा देवी, अजय कुमार, पौत्र पौत्र वधु विजय कुमार चांदनी, अरिहंत पूजा तीर्थेश प्रियंका, पौत्र मोक्षा, पड़पौत्री पौत्र वेरोनिका रियांश सीकर निवासी सूरत गुजरात। दर्पण तनैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिकायत्र परमागमस्य बीजं निषेध जात्यन्न सिन्दुर्विधानम् सकलनय विलसितानां विरोध मथनम नमाम्यने कांतम विरोध मथनम नमाम्यने कांतम। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है अमृतचंद्राचार्य की अनुपम रचना और यहाँ हम लोग चर्चा कर रहे थे आप लोगों के बीच में तप के संदर्भ में। तप, तपस्या, कठोर आचरण, ऐसा लगता है हमें ऐसा लगता है कि तप कर रहे हैं माने कुछ कठोर आचरण कर रहे हैं। तप से होती है निर्जरा, तप चारित्र का एक पार्ट है। जीवन में यदि चारित्र अपनाना चाहते हैं तो तप भी करना ही चाहिए। निर्जरा के लिए प्रत्येक आत्मार्थी तप करना चाहता है, लेकिन प्रश्न यह खड़ा होता है कि आखिर तप करें कैसे, तप करने की विधि क्या है, तपस्या कैसे की जाती है। जब तप करने की विधि की चर्चा चलती है तो तुरंत आगम में कहे गए 12 प्रकार के तप याद आते हैं। 6 बहिरंग तप हैं, 6 अंतरंग तप हैं। बहिरंग तप, बाहर में जो तप हों वे बहिरंग कहलाते हैं और अंतर में हों वे अंतरंग कहलाते हैं, ऐसा समझा जाता है। हम इनके स्वरूप को भी देखेंगे। यहाँ हम यहाँ 12 प्रकार के तपों में से 6 अंतरंग तप और 6 अंतरंग तपों में 6 बहिरंग तपों में पहला नंबर अनशन, उसकी चर्चा यहाँ कर चुके हैं। अनशन क्या होता है? अनशन माने है उपवास। लोग ये समझते हैं कि भूखे रहने का नाम उपवास है, भूखे रहने का नाम अनशन है, तो ऐसा नहीं है। भूखे रहने का नाम उपवास नहीं है, भूखे रहने का नाम अनशन नहीं है। कल हमने यहाँ थोड़ी बहुत चर्चा इस अनशन के संदर्भ में की थी। आत्म स्वभाव के अवलंबन पूर्वक अपने स्वभाव के नज़दीक रहते हुए जब 4 प्रकार के आहार का त्याग किया जाता है तो वह अनशन कहलाता है। कल बहुत चर्चा हमने की, कई लोगों के फ़ोन मैसेज भी आए कि हमने ये 6 प्रकार के आहारों की चर्चा पहले कभी सुनी नहीं थी। 6 प्रकार के आहार कहे हैं शास्त्रों में, वे अलग अपेक्षा से कहे गए हैं। और जो 4 प्रकार के आहार कहे हैं, खाद्य, स्वाद्य,
लेय और पेय इन चार प्रकार के आहारों का बिल्कुल विधिवत त्याग करना, यत्नाचार पूर्वक निरतिचार पूर्वक पालन करना, वह सब अनशन कहलाता है। खाद्य क्या होता है, स्वाद्य क्या होता है, लेय और पेय में किन बातों को शामिल किया जाता है, ये बातें कल बतलाई जा चुकी है। बहुत संक्षेप में एक मिनट में उसे रिपीट करते हुए आगे बढ़ूंगा। खाद्य माने खाने की वस्तुएं, ऐसे सारे पदार्थ जो अन्न के हैं चाहे बिना अन्न के हों, लेकिन जिनको खाने से पेट भरता हो, पेट पर वजन पड़ता हो, वे सब खाद्य हैं। दूसरे हैं स्वाद्य। स्वाद्य माने वे पदार्थ जिनके सेवन करने से पेट पर वजन तो नहीं पड़ता लेकिन स्वाद लिया जाता है, जैसे इलायची, सौंफ, सुपारी, पान, ऐसी बातें कही थी। हमारे विनीत जी गंगवाल हैं, वो तो बोले मेरे से पान का बहुत शौक था लेकिन कल आपका प्रवचन सुनकर के पान छोड़ दिया। देखिए बहुत सुंदर बातें हैं, स्वाद्य हो गया। फिर लेय क्या है, लेय मतलब है चाटने की वस्तुएं, जिन्हें चाटा जाता हो वे लेय है। पेय माने पीने की वस्तुएं, उसमें दूध, चाय, कॉफ़ी वगैरह समझ लीजिए आप ये सब, और इसके अलावा जूस हो गए, दूध हो गए, लिक्विड जितने भी हैं वे सब पेय पदार्थों के अंतर्गत आएंगे। एक लेय पदार्थों के संदर्भ में कुछ चर्चा कल हमारी बहुत अपेक्षित विस्तार से हो चुकी थी। लेप, लेप को भी लेय के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि हम बॉडी के माध्यम से भी ग्रहण करते हैं। माने हम, मैंने यह भी कहा था कि हम जो श्वास लेते हैं ये श्वास भी हम अकेला नाक से नहीं लेते हैं, हमारी पूरी बॉडी श्वास लेती है, पूरी बॉडी से श्वास लिया जाता है। इसी तरह से पूरी, जैसे मैंने कल सनलाइट से विटामिन डी ग्रहण करने की बात कही थी, तो कहाँ से ग्रहण कर रहे हैं आप, नाक से, मुंह से विटामिन डी कहाँ से ले रहे हैं आप? जब आप सनलाइट के बीच में बैठते हैं तो विटामिन डी पूरी बॉडी से ग्रहण किया जाता है। खैर, ये चार प्रकार के आहार की जो बातें कही गई, पूरी तरह से सबका त्याग कर देने पर अनशन माने उपवास कहलाता है, ये है वास्तविक उपवास। उपशब्द नजदीक का सूचक है, वास माने होता है रहना, अपने पास में जो रहेगा वो भोजन आदि बाह्य क्रियाकलाप से दूर हो जाएगा, वो सच्चे अर्थ में उपवास है। चंदन का लेप करना यह भी उपवास में अतिचार ही जानना चाहिए। ठंडी पट्टी गले पर रख लेना यह भी अतिचार ही जानना चाहिए। मैं आपसे कहता हूँ उपवास किया और भोजन कुछ नहीं लिया लेकिन हमने विटामिन के इंजेक्शन लगवा लिए, ताकत बन गई। हम 10 दिन के उपवास करें और वीकनेस आ जाती है ना, तो रोजाना शाम को एक बोतल ग्लूकोज की चढ़ा लिया करें, तो बोलो 10 दिन तक वीकनेस नहीं आएगी, कमजोरी महसूस नहीं होगी, तो क्या वो उपवास होगा? बोतल चढ़ा लेने से इससे वो, आपने मुंह से तो नहीं खाया लेकिन वो बॉडी में तो चला गया ना, कहीं और से चला गया, इंजेक्शन के माध्यम से चला गया, ड्रिप चढ़ा करके चला गया, बॉडी में तो गई है ना वो चीज, ये सब अतिचार की श्रेणी में जाती है। चलिए, सेकंड नंबर का तप है जिसे कहा गया है उनोदर, अवमोदर्य। अवमोदर्य माने होता है उनोदर। अवमोदर्य क्या है, इसका अर्थ किया है अर्थात एकासन। अवमोदर्य माने एकासन। बोलचाल की भाषा में भी ऐसा चला करता है अपने घरों में, आज तो एकासन है, आज तो एकासन है, ऐसा चलता है। देखिए पुस्तक, गुजराती पुस्तकों में 159 पेज है, हिंदी की पुस्तकों में 220 नंबर पेज है, नई वाली पुस्तकों में नीचे लिखा है अवमोदर्य। बोले आज आप उपवास है क्या? नहीं नहीं, एकासन है मेरा। तो एकासन माने क्या होता है, हमें ध्यान है जब बहुत छोटे थे, आस पड़ोस में बहुत सारे हमारे जैन परिवार जो लोग एकासन करते थे, वे पता है क्या करते थे एकासन के नाम पर? एक आसन, बोले बोझते हैं ना, तो बस एक ही आसन से बैठे रहो,
हम उठेंगे नहीं, उठने के पहले पहले जितना ले लिया वो सब एक आसन है। एक रोजाना भोजन करने में 15 मिनट लगती है, तो जिस दिन एक आसन कर रहे हैं उस दिन 1.5 घंटे तक बैठे हुए हैं। अभी थोड़ी देर और थोड़ी देर बैठे रहो, थोड़ी देर बाद में चाय भी बना देना, फिर चाय भी पी लेंगे, फिर ये भी ले लेंगे, फिर बैठे रहेंगे। अरे भाई ये एकासन नहीं है। एकासन का मतलब एक बैठक में और भूख से कम खाएं तब वो एकासन कहलाता है। देखें यहाँ प्रकरण पढ़ता हूँ, पुरानी पुस्तकों में 166 नंबर पेज है 166, और नई पुस्तकों में 220 नंबर पेज है। गुजराती का अभी आपको बतलाया था। अवमोदर्य तप अर्थात एकासन करना, भूख से कम खाना, इन दोनों प्रकार के तप द्वारा कर्मों की निर्जरा होती है। कौन से दोनों प्रकार के तप? अनशन और उनोदर। अनशन और अवमोदर्य, अवमोदर्य का दूसरा नाम बतलाया एकासन, और इसी का तीसरा नाम बतलाया अवमोदर्य का उनोदर। आप जानते हैं इन शब्दों के क्या अर्थ है? अवम अवम औदर्य भूख से कम, ऊन औदर, ऊन माने होता है कम, न्यून, न्यून माने कम होता है ऊन, उधर उधर माने पेट, तो पेट से कम वो है ऊनोदर। इसी तरह से एक आसन भूख से कम खाएंगे, लेकिन एक ही आसन में बैठ करके खाएंगे, खाना खाते समय बीच में उठेंगे नहीं। आपको पता है अनशन की तुलना में ये लोग अनशन की तुलना में उनोदर थोड़ा सा ज्यादा बड़ा तप है। कारण अनशन से उनोदर ज्यादा बड़ा तप क्यों है? माने उपवास करने वाला वो ज्यादा बड़ा नहीं है। उपवास की तुलना में एक टाइम भोजन करने वाला वो ज्यादा बड़ा तपस्वी है। कभी कभी ये बात कहते हैं तो अनेक लोग तो ऐसे हैं जो सुनकर के ही ऐसे कहते हैं, यार क्या बात कर रहे हो यार, आपने एक टाइम खाया है, हमने दो टाइम खाया है, हमने तो उपवास किया है, हमने तो कुछ नहीं खाया है। जिसने कुछ नहीं खाया वो ज्यादा बड़ा हो गया, उपवास है, उपवास है, तो उपवास है भाई साहब, ये तो एक टाइम खा रहा है, कोई बात नहीं भाई साहब, एक टाइम खाना ज्यादा बड़ा तप है। कारण कारण क्या है? कारण ये है कि तप की परिभाषा बतलाओ क्या थी? इच्छा निरोधस तप है, इच्छा को कंट्रोल में करना, ये तप की परिभाषा थी। अब इच्छा किसकी किस में कंट्रोल हुई? इच्छा देखो, उपवास किया और दिन भर भोजन के पास में नहीं गए, भोजन का विकल्प भी नहीं आया, खाया भी नहीं, छुट्टी हो गई, निपट गया काम। अब उनोदर में क्या किया? मन पसंद बना है भोजन, और आप बैठे हैं एकासन करने के लिए, अब उस ऐसी स्थिति में भूख से कम खाना, बहुत तेज भूख लग रही थी, सुबह से कुछ नहीं खाया है, 12 बजे भोजन करने के लिए बैठे, सुबह से पानी भी नहीं पिया है, अब इतनी तेज भूख लगने पर अब भूख से कम खाना, कठिन काम है भाई साहब, आसान नहीं है। माने थाली पर बैठ करके कम खाना ये बहुत बड़ी चीज है। रोजाना 2 रोटी खाते हो तो 1 रोटी भोजन करके उठ जाना उसका नाम उनोदर है, और शाम को नहीं खाना। थाली सामने है, मनपसंद भोजन है, इच्छित पदार्थ है, आप सोचो जरा प्रैक्टिकल, क्या आप सच्चे अर्थों में उनोदर करते हैं कभी? क्या सच्चे अर्थों में एकासन होता है? मेरा तो बहुत अनुभव है, प्रैक्टिकल अनुभव है, अकेले मेरा ही नहीं, बहुत सारे लोगों को देखा भी है, जानता भी हूँ, और सब बिल्कुल अनुभव में आती है बातें। जब जब एक आसन किया जाता है, जब जब एक टाइम भोजन किया जाता है, तब तब ऐसा विकल्प जरूर आता है, रोजाना 2 खाते हों तो वो एक टाइम में 2 खाते थे ना रोजाना, तो अभी 1 टाइम में 2 की जगह 3 यदि नहीं होगी तो 2.5 तो हो ही जाएगी। क्यों? क्योंकि शाम को नहीं खाना है, अपने आप ही हो जाती है, शाम को भोजन नहीं करना है ना, तो अपने आप ही थोड़ा सा बढ़ जाता है। और कदाचित अपने विकल्प में नहीं हो
तो खिलाने वालों के विकल्प में ये बात जरूर आ जाती है, अरे अब शाम को तो खाओगे नहीं, आधी और ले लो, अब शाम को तो खाना नहीं है, अब अभी लेना है, इतना सा ले लो आप। तो ये जो बात है ये उनोदर में दोष लगाने वाली बात है। देखिए बात क्या कह रहे हैं ये, इन दोनों प्रकार के तप द्वारा कर्मों की निर्जरा होती है। क्यों भैया, अनशन और उनोदर इन दोनों में कर्मों की निर्जरा क्यों होती है, ये निर्जरा के हेतु क्यों बनते हैं? तो क्या कहा यहां, यहां बात क्या कह रहे हैं, ध्यान की प्राप्ति होती है अनशन से भी उनोदर से भी, ध्यान की प्राप्ति होती है। निद्रा मिटती है, ध्यान की प्राप्ति होती है, निद्रा मिटती है, नींद मिट जाती है। देखो आप भोजन मत करो, नींद नहीं आएगी। मतलब ये कहना चाह रहे हैं भोजन करने से या ज्यादा भोजन करने से नींद बहुत आती है, ज्यादा भोजन करने से, गरिष्ठ भोजन करने से आलस आता है, प्रमाद आता है और ये जीव आलसी हो जाता है। गरिष्ठ भोजन बोले, पता है आपको वो एक फाड़ू रोग की कहानी सुनाते हैं, छोटे दादा बतलाते हैं हमेशा, फाड़ू रोग की कहानी सुनाते हैं, बोलते हैं और वो कहते हैं कि एक, जानते हैं फाड़ू रोग क्या होता है, अभी सुनाई थी भी एक दो महीने पहले, चर्चा हुई थी अभी उसकी, जब प्रवचन चल रहे थे ना उस पर रहस्य पूर्ण चिट्ठी पर, तो उस समय भी चर्चा चल रही थी। उन्होंने कहा एक जवान लड़का और रात को लिखता था, रात रात भर जग करके, और रात रात भर बैठ करके खूब लिखता था, लेखन काम करता था, कविताएं लिखता था, कहानी उपन्यास जो भी लिखता था, और रात को देर तक लिख करके, और जब वो सो जाता था और सुबह दोबारा उठ करके पढ़ता था तो पसंद नहीं आती थी, फाड़ करके फेंक देता था। ऐसा रोग है, लेखकों को फाड़ू रोग होता है, और फाड़ू फाड़ू मतलब पसंद नहीं आया, फाड़ो, काट दो, अच्छा नहीं है, फिर दोबारा लिखो, अच्छा नहीं, तब जा करके उस लेखन के अंदर निखार आता है। अब वो तो माँ तो रोजाना वो परेशान, रोज देखे मेरा बेचारा बच्चा है क्या हो गया है, इसको कोई बीमारी हो गई है, इतनी मेहनत करता है रात भर, सुबह उठ करके कुछ देखता करता है और उसे फाड़ करके कचरे कूड़ा डाल में डाल देता है, ये क्या हो गया है इसको, डॉक्टर के दिखाने के लिए ले जाओ इसको, डॉक्टर के लिए। तो डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर तो समझ गया कि ये लेखक है, और लेखन कला ही यही होती है, लेखन की स्टाइल ही यही होती है, फर्स्ट बार में परफेक्ट लेखन होता ही नहीं है कभी भी। जब किसी चीज का लेखन किया जाता है तो पहले रफ बनाया जाता है, फिर रफ बनाते हैं तो फिर वो और उसके अंदर काट पीट होती है, भाषा बनाई जाती है, सेटिंग की जाती है, फिर पसंद नहीं आता है, फिर ये वाक्य ऐसा नहीं, फिर ये पहला ऊपर आना चाहिए, ये नीचे आना चाहिए, नहीं ये तो वो बात नहीं थी जो मैं कहना चाहता था, कितनी तरह की काट पीट उसमें होती है। डॉक्टर जानते थे इस बात को, तो डॉक्टर ने पता है क्या कहा कि अच्छा, उस माँ को ये कहा कि एक काम करो, रोज इसको शाम को अच्छी खीर मलाई रबड़ी ये सब बना बना करके इसको एक वीक के लिए खिलाओ। बोले डॉक्टर साहब और कुछ? बोले आप करो 7 दिन के लिए, सब बराबर हो जाएगा। तो क्या हुआ उससे कि वो खीर मालपुए पकवान जब खा करके खूब पेट भर के खाता था तो रात को नींद आ जाती थी, जैसा लिखता था आलसी हो गया, प्रमादी हो गया, तो जैसा लिखा है अब ठीक है यार, अब इसको कौन बदलेगा, अब इसको कौन सुधारेगा। ये प्रमाद, खाने से प्रमाद आता है और नहीं खाने से उपयोग एकाग्र होता है, ये बात यहाँ कहना चाहते हैं। ध्यान की प्राप्ति होती है, निद्रा मिटती है अनशन और उनोदन करने से, संतोष होता है। क्या लिखिएगा, देखो सो जाएगा वो व्यक्ति जिसके जिसने ऐसा आलसी हो गया ना, खूब कापी करके खीर मलाई खा रहा है, आलसी हो गया, प्रमादी हो गया, एक तो ज्यादा लिखेगा नहीं, और लिखेगा तो रोजाना उसे बार बार फाड़ेगा नहीं, कहेगा यार फिर मेहनत बहुत होती है यार, कौन करेगा यार, ठीक है अभी जो लिख दिया वो ही ठीक है, अब कौन करेगा, ऐसा प्रमादी हो जाता है व्यक्ति। इसलिए कम खाना और घम खाना ज्ञानियों के लिए दो बातें हैं, कम खाओ और घम खाओ। घम खाना जानते हैं क्या होता है? घम खाने से भी बहुत ताकत आती है, गम खाने से भी व्यक्ति हेल्दी रहता है, मजबूत रहता है, पावरफुल रहता है। ये गम खाना क्या होता है?
एक बार अकबर ने बीरबल से पूछ लिया, ये गम खाना क्या होता है? बोले ये जो बनिए लोग हैं, ये बनिए लोग ये क्या खाते हैं ऐसा, जो अच्छे मोटे तगड़े ताजे रहते हैं, और हमारे इतने मेवा माल मिष्ठान, उसके बावजूद बॉडी इतनी नहीं बनती है, क्या चक्कर है? कि महाराज ये लोग गम खाते हैं। बोले गम खाते हैं, गम खाते हैं ये लोग? बोले ये क्या होता है, गम खाते हैं, हम भी खाएंगे, हमें क्या दिक्कत है, हम राजा हैं यहाँ के, हम क्यों नहीं खा सकते, हमारे लिए भी गम मंगवाया जाए। बोले महाराज ऐसे नहीं खाया जाता है, ऐसे नहीं खाया जाता है, तो कैसे, कहाँ से आएगा गम? क्या गम खाने के लिए क्या करें? महाराज आपको यदि गम खाना है सच में, तो उसके लिए आपको एक दुकान खोलनी पड़ेगी, परचूनी की दुकान खोलो। बोले अपने काहे की कमी है, खोल लेंगे, एक बार करके तो देखें गम खाने के लिए। बोले करो महाराज, ठीक है साहब। दुकान खोल दी परचूनी, महाराज अब आपको बैठना पड़ेगा यहाँ। कि बैठ जाएंगे, अपने को क्या दिक्कत है, कि दो एक घंटे बैठो थोड़ा सा, मैं ग्राहक बन करके आता हूँ आपके पास में। तो ग्राहक बन करके आया, ग्राहक बन करके आए, तो कहा महाराज एक काम करो, 1 किलो हल्दी दे दो। तो महाराज हल्दी तोलने लगे, बोले नहीं नहीं एक काम करो, हल्दी तोलने जैसे निकाली बर्तन में, बोले नहीं नहीं मुझे हल्दी तो नहीं चाहिए, एक काम करो आप, तो मेरे को वो आधा किलो मिर्च चाहिए, आप आधा किलो मिर्च निकाल दो, पाव भर धनिया निकाल दो, ये निकाल दो, ये निकाल दो, सामान सब निकलवाएं। और फिर कहेंगे नहीं नहीं ये तो नहीं, आप एक काम करो, इनको ये 1 किलो तो ज़्यादा हो गया, इसको 1.25 किलो कर दो, ये इतना नहीं, ये ऐसा कर दो। अकबर ने कहा भाई बीरबल एक बार नक्की कर ले तुझे क्या करना है। बोले महाराज गम खाओ। क्या 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 कैसे खाया जाता है गम? पेशेंस रखो। ये बनिए लोग दुकान पर बैठ करके क्या करते हैं, ये पेशेंस रखते हैं। इतने ग्राहक आते हैं, कोई ऊंची आवाज में बात करता है, कोई धीरे बोलता है, कोई बोलता नहीं है, किसी की बात क्लियर नहीं होती है, कोई कुछ कहने लगता है, कोई कुछ कहने लगता है, हैं? कोई कहता है ये बदल दो, कोई बदलवाने के लिए आता है, तो कोई कहता है ऐसा किया था, कोई इसके रेट कम कर दो, कोई रेट के लिए जिरह करने लगता है। लेकिन जो दुकान पर बैठने वाले बनिए लोग होते हैं, वो क्या करते हैं जगदीश भाई? गम खाते हैं। हाँ हाँ कोई बात नहीं, चिंता मत करो, अभी कर देते हैं। अरे नहीं नहीं मैंने बहुत परेशान कर दिया आपको। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतने कपड़े फैला दिए आपके, फिर भी कोई पसंद नहीं आया, फिर आएंगे? नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वेलकम। दुकान पर बैठ करके व्यापारी लोग क्या करते हैं? ये गम खाते हैं भाई साहब। ज्ञानी भी गम खाते हैं, इसलिए प्रसन्न रहते हैं। ये ज्ञानी लोग खाते क्या है जो इतने प्रसन्न रहते हैं? बोले एक तो कम खाते हैं, और दूसरा खाते हैं तो गम खाते हैं। जो होता है सो होने दो, होनी को स्वीकार करो, इसका नाम है गम खाना। जो होता है सो होने दो, सहज कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो, सहज रहो, ज्ञाता दृष्टा भाव से रहो। जो हो रहा है हो गया, ओके कोई बात नहीं, ऐसा तो ठीक है, ऐसा सही, ऐसा तो ऐसा ठीक है, कोई बात नहीं। बोलो पंकज भाई ऐसा ऐसा गम खाते हैं, सहज रहते हैं बिल्कुल। जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रहो ज्ञायक रहो, ज्ञायक रहो, बस ज्ञायक ही रहो। ज्ञायक रहते हैं तो क्या कहा, एक तो गम खाने की बात कही, और कम खाने का मतलब क्या है, उनोदर। ये ज्ञानी लोग, इससे क्या होता है, निर्जरा होती है, क्या निर्जरा होगी, कैसे निर्जरा होगी, निद्रा मिटेगी, संतोष होता है, संतोष है, कम खा रहे हैं संतोष है, स्वाध्याय करने में मन लगता है। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है, जो लोग ज्यादा खाते हैं उनका स्वाध्याय में मन नहीं लगता, जो लोग खूब खाते हैं उनका उपयोग नहीं लगता। जो लोग आप ज्यादा भोजन कर लो, आप बाटी दाल चूरमा खा करके बैठो आप स्वाध्याय करने के लिए, आपको प्रवचन सुनते सुनते नींद आने लग जाएगी। आपको यदि प्रवचन में नींद आती है तो आप एक काम कीजिए, आप कम खाया कीजिए, आप कम खाएंगे तो नींद नहीं आएगी। निद्रा दर्शनावरणी कर्म के कारण बतलाए गए हैं,
ये इन्होंने जागृति की बात कही ना, निद्रा मिटती है। घूमट सार कर्म कांड में नेमीचंद्र सिद्धांत आचार्य हैं, अपने नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य, वे घूमट सार कर्म कांड में गाथा नंबर होगी 65 के आसपास, 64, 65, 67 इन गाथाओं के आसपास कर्मों के नौ कर्मों वाला प्रकरण दिया। और उन्होंने कहा वहां कि सुनो, ये जो है ना निद्रा, निद्रा निद्रा के मूल कारण है गरिष्ठ भोजन, निद्रा का मूल कारण है दही खाना, मट्ठा खाना, छाछ पीना। सुबह भोजन करने के बाद में आप दही वही खा पी जाओ, बोलो तो क्या होगा, तो आपको नींद आने लग जाएगी। गरिष्ठ भोजन किया हुआ हो तो आलस और प्रमाद आने लग जाता है, स्वाध्याय में मन नहीं लगता है, उपयोग नहीं लगता है। यदि आप स्वाध्याय में अपना उपयोग और मन लगाना चाहते हैं तो क्या होगा, अवमोदर्य कीजिए, ध्यान की प्राप्ति होती है, निद्रा मिटती है, संतोष होता है, स्वाध्याय करने में मन लगता है कम भोजन करने से, तथा दोष घटता है, इसलिए इच्छा निरोधस तप है, इसे तप की श्रेणी में जानना चाहिए। दो हो गए, अनशन और उनोदर। इसमें इच्छा का निरोध ज्यादा हुआ, इसमें इच्छाएं ज्यादा रुक गई, इसमें इच्छाओं पर ज्यादा कंट्रोल हुआ, इसलिए अनशन की तुलना में उनोदर ज्यादा बड़ा तप है। ठीक है, या तो खाएंगे ही नहीं। सुनना, मैं क्रम बतला रहा हूं, कल भी कुछ साथी हमारे पूछ रहे थे क्रम के संदर्भ में। पहले नंबर पर है अनशन, या तो खाना ही नहीं, फर्स्ट नंबर। यदि खाएंगे तो एक टाइम खाना और भूख से कम खाना, दूसरा तप, ये बड़ा तप हो गया, सेकंड स्टेप है ये। कम खाना और भूख से कम खाना और एक टाइम खाना, ये भी तब खाएंगे जब हमारी विधि मिल जाएगी, तीसरे नंबर का तप। इसका नाम है वृत्ति परिसंख्यान, ये इसमें आपकी पुस्तक में 6 नंबर पर दिया है, वृत्ति परिसंख्यान। खाएं नहीं, खाएंगे तो एक टाइम खाएंगे, भूख से कम खाएंगे, भूख से कम भी लेकिन तब खाएंगे जब हमारी विधि मिल जाएगी, ये तीसरे नंबर पर। इसका मतलब इच्छा को कितना कंट्रोल कर दिया है, विधि नहीं मिलेगी तो हम भोजन ही नहीं करेंगे, मन मन को मार रहे हैं, वो गम खा रहे हैं, वे कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है ना, देखो क्या किया, वृत्ति परिसंख्यान। पहले 6 नंबर वाला पढ़ लेते हैं, है ना, क्रम आप बदल सकते हैं, पुस्तक में बदलने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ पढ़ने की दृष्टि से इसे बदल रहा हूं। आप चाहें तो इनको ना भी बदलें, सिर्फ जैसा इनका स्वरूप है उसे वैसा ही जान लेवें, मत बदलें, क्यों बदलें, अपन बाद में करेंगे इसके क्रम की चर्चा, लेकिन इतना जान लीजिए तीसरे नंबर पर है वृत्ति परिसंख्यान। इसका अर्थ होता है अटपटी प्रतिज्ञाएं ले लेना, प्रतिज्ञा निभेगी तो आहार ग्रहण करेंगे, प्रतिज्ञा नहीं निभेगी तो आहार ग्रहण नहीं करेंगे। ठीक है ना, हम ये संकल्प लेकर के गए, इतने घर में देखेंगे आहार मिल गया तो ठीक है तब तो ले लेंगे, और इतने घर से कम हुए तो फिर नहीं लेंगे, मतलब इससे ज्यादा, मतलब 4 घरों के अंदर आहार नहीं मिला तो नहीं लेंगे। कोई महिला या पुरुष इस तरह के आकार में इस तरह की चीज लेकर के खड़े हुए होंगे तो हम आहार ले लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, ऐसी अटपटी प्रतिज्ञाएं। अरे कैसे कैसे उदाहरण मिलते हैं हमारे यहाँ शास्त्रों में, कभी कभी तो अजी अजब गजब की बातें हमारे को दिखाई देती है। आपको पता है ये गाय के सींगों में गुड़ की बेली, एक ऐसा उदाहरण मिलता है, ऐसी प्रतिज्ञा अभी कहां से मिले भाई साहब, ऐसा 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 प्रसंग कि कोई व्यक्ति ऐसा मिले हमारे को सामने, जो क्या गदा होती है, गदा हनुमान जी की, गदा में गुड़ लगा हुआ हो, अभी गदा में गुड़ लगा हुआ दिख जाएगा तो भोजन लेंगे, यार गजब हो गया है। भीम मुनिराज का उदाहरण, क्या प्रतिज्ञा लेकर के निकले वीरेंद्र भाई, है सोच सोच करके ऐसा, अरे एक्चुअल में क्या है, उनको भोजन करना नहीं है, क्या भोजन करना नहीं चाहते, टालना चाहते, वे अपने आप को टटोलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि मैं कितना कंट्रोल कर सकता हूं। इसलिए अब क्या हुआ, अब कौन मिलेगा साहब ऐसा, गधा गधा हाथ में हो और उसमें गुड़ लगा हुआ हो, अब ऐसी ऐसी प्रतिज्ञा कहां निभेगी। आप देखो बड़े गजब के आश्चर्य की बात,
मुनिराज को पड़गाहन करने के लिए दो हस्बैंड वाइफ बाहर खड़े हुए थे पड़गाहन करने के लिए, और इतने में अंदर से 3 साल का बच्चा, छोटा सा बच्चा, खेलता खेलता जिसकी गदा घुड़ में गिर गई थी बच्चे के खिलौने जैसी, और वो लेकर के दौड़ता हुआ बाहर आया और मुनिराज के विधि मिली। बोलो ये कैसी विधियां मिल जाती है, ये अटपटी प्रतिज्ञाएं लेकर के निकलना, ये वृत्ति परिसंख्यान, इसकी चर्चा नीचे करेंगे अपन जब प्रसंग आएगा तब। ये तीसरे नंबर पर है। अच्छा विधि मिल गई, अब प्रतिज्ञा लेकर के जब भोजन करने के लिए गए तो चौथे नंबर पर आता है रस परित्याग। विधि तो मिल गई थी भोजन करने के लिए तो आ गए, विधि पूर्वक भोजन मिला है भोजन करने के लिए आ गए, तब भी तब भोजन करेंगे हम, भोजन करते समय हमारे को नमक नहीं खाना, आज हमारे को दूध नहीं लेना, आज हमारे को घी नहीं लेना, आज हमारे को ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, इसका नाम है रस परित्याग। बदल बदल करके मैं भोजन को नीरस बना करके भोजन ग्रहण करते हैं, तप है ये, उत्तर उत्तर बढ़ते हुए तप है। फिर पांचवें नंबर पर आता है विविक्त शय्यासन, एक आसन करवट से सोना। और छठे नंबर पर आता है काय क्लेश, शरीर के प्रति ममत्व का त्याग। ये क्रम की बात कही मैंने, दो की चर्चा अपेक्षित विस्तार से कर चुके हैं, हम तीसरे बिंदु की तरफ बढ़ रहे हैं। पेज नंबर है 221। देखिए विविक्त शय्यासन क्या कह रहे हैं, जहां विषयी जीवों का संचार आवागमन न हो। अरे एकांत स्थान में, एकांत स्थान को चुनते हैं मुनिराज। मुनिराजों को भीड़ पसंद नहीं होती, मुनिराज को पब्लिक पसंद नहीं होती, मुनिराज पब्लिक के बीच में जाना नहीं चाहते। अरे क्या जाएं, किसे किसके लिए जाएं बतलाओ, भीड़ के बीच में जाएंगे तो क्या ध्यान हो सकता है क्या, भीड़ के बीच में स्वाध्याय हो सकता है क्या। मुनिराजों के लिए मुख्य रीति से दो कार्य कहे हैं, ध्यान और अध्ययन, दो ही कार्य कहे हैं, ध्यान और अध्ययन, ये दो मुख्य कार्य हैं मुनिराजों के, और ये दोनों कार्य भीड़ की नहीं एकांत की अपेक्षा रखते हैं। ध्यान भी एकांत में होता है और अध्ययन भी एकांत में होता है, पब्लिक का समागम नहीं चाहिए। और यही कारण है कि आहारचर्या के लिए जब आते हैं तब भी चुपचाप एक जगह पर खड़े होकर के भोजन ग्रहण कर लेते हैं, चलते फिरते नहीं है, आसन बदलते नहीं है, कभी बैठ गए कभी उठ गए कभी चल लिए, नहीं कोई मतलब नहीं। माने रस परित्याग, बदल बदल करके आहार ग्रहण, और ये क्या कहा भी आज, विविक्त शय्यासन। आसन एक, विषय कषायी जीवों का संचार होता हो, आवागमन न होता हो, ऐसे एकांत स्थान में रहना, इससे बाधा रहित ब्रह्मचर्य का पालन होता है और ध्यान अध्ययन भी होता है एकांत स्थान से। माने विविक्त शय्यासन का अर्थ, वैसे छेड़ाला आदि के अंदर और अन्य ग्रंथों में जहां विविक्त शय्यासन की चर्चा की है वहां इस तरह की बात कही है, एक करवट से सोना, एक करवट से सोते हैं, विविक्त शय्या आसन, शय्या भी और आसन भी, भूमा ही पिछली रयन में कछु शयन एकासन करन, ये विविक्त शय्यासन की बात है। ये नहीं समझ में आया साहब, सोते समय मुनिराज आसन नहीं बदलते, ये तप है उनका, एक बार पीछे से जगह को पहुंच करके क्या, जब वे लेट गए हैं तो अब वे लेटे हुए अब करवट नहीं बदलेंगे, क्योंकि करवट बदलेंगे तो दूसरी जगह जो बगल वाली जगह वो तो साफ की नहीं है, और कदाचित की भी थी तो करवट के बदलने पर आपने जो 15 मिनट में करवट बदली, तो 15 मिनट में यदि वहां जीव आ गए होंगे कुछ छोटे छोटे तो उनकी विराधना का पाप लगता है। ख्याल में आ रही है बात, इसलिए एक आसन से एक करवट से सोते हैं, ये विविक्त शय्यासन नाम का तप है, और ज्यादा से ज्यादा इन सब चीजों से दूर रहते हैं, आवागमन से दूर रहते हैं, संचार जीवों का संचार जहां होता हो। अरे संचार शब्द का प्रयोग तो आजकल कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है, संचार माध्यम ये तो पुरानी है ना, उस समय तो संचार के कोई साधन नहीं थे, आजकल तो मोबाइल है, इंटरनेट प्रयोग, मैसेज, क्या क्या चीजें चलने लगी हैं सब, ईमेल, चिट्ठी पत्री, ये तो सब सबके लिए निषेध है। आप संचार नहीं करेंगे, चलेंगे फिरेंगे नहीं, खुद भी नहीं, विषयी जीवों का संचार जहां होता हो, आवागमन जहां होता हो वो न हो,
ऐसे एकांत स्थान में रहना, और इससे क्या होता है, लाभ क्या है इस विविक्त शय्यासन से? तो ये कह रहे हैं ब्रह्मचर्य का पालन होता है, ध्यान होता है और अध्ययन होता है। ध्यान और अध्ययन भी तो होता है, ध्यान करने में एकाग्रता होती है। बोलो। इस कार्यक्रम की प्रायोजक हैं श्राविका रत्न, समाज सेवी, दानवीर, परम मुनि भक्त, दृढ़ संस्कारवान स्वर्गीय श्रीमती कंचन देवी दीवान छाबड़ा, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमान धर्मचंद जी दीवान छाबड़ा, पुत्र पुत्र वधु विद्या प्रकाश, सुनीता देवी, संजय कुमार, रेखा देवी, अजय कुमार, पौत्र पौत्र वधु विजय कुमार, चांदनी, अरिहंत, पूजा, तीर्थेश, प्रियंका, पौत्र मोक्षा, पड़पौत्री पौत्र वेरोनिका, रियांश, सीकर, निवासी सूरत, गुजरात। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के तीन प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है, अर्थात एक रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं, और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरम्भ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है।